साथ अनुपमा झा। दिल्ली में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम आवास पर दोनों ही नेताओं की यह मुलाकात हुई और यह मुलाकात करीबन 30 मिनट तक चली। इस मुलाकात के बाद बाहर निकले सीएम हेमंत सोरेन ने बताया कि पीएम के साथ ही मुलाकात एक शिष्टाचार मुलाकात थी। हेमंत सोरेन ने यह भी बताया कि इस मुलाकात के दौरान उन्होंने पीएम से इस बात का आग्रह किया कि झारखंड पर विशेष ध्यान रखा जाए क्योंकि यह पिछड़ा राज्य है। हेमंत सोरेन ने कहा कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। उन्होंने पूर्व सीएम रघुवर दास को एसीबी की तरह से दाखिल चार्जशीट पर कहा कि विभाग में अगर गड़बड़ी हुई तो निश्चित रूप से सरकारी एजेंसी अपना काम करेगी। साथ ही अपने पिता शिबू सोरेन और जेवीएन सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी को उन्होंने जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हेमंत सोरेन और पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई उस वक्त की तस्वीरें। और साथ ही आपको बता दें अपने ट्विटर हैंडल से सीएम हेमंत सोरेन ने ये तस्वीरें शेयर की हैं। हमारे लिए तो आज हमारे पिताजी का जन्मदिन भी है, आज आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी का भी जन्मदिन है और आज संयोग से इस देश के प्रधानमंत्री जी से भी मिलने का मौका आज ही का दिन मुकर्रर हो गया, हो पाया। और क्योंकि मैं अभी तो दिल्ली में हूँ, अपनी ओर से आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और अभी तो हम वापस भी जाएंगे, आदरणीय गुरु जी से आशीर्वाद भी लेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से हमने मुलाकात की क्योंकि सरकार बनने के बाद मौका नहीं मिल रहा था, क्योंकि अब सरकार को आने वाले समय में गति भी देना है। तो निश्चित रूप से मेरा ये कहना है कि जो व्यवस्था में लोग जुड़े हुए हैं राज्य से लेकर देश तक, उन सभी लोगों के साथ समन्वय बनाते हुए आगे चलना चाहिए। और चूंकि देश के प्रधानमंत्री जी तो पूरे देश के मालिक हैं आज के दिन में, तो आज हमने उनसे शिष्टाचार मुलाकात किया है। विस्तार को लेकर के अभी चूंकि मंत्रिमंडल विस्तार भी होना है, कब तक माना जाए कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा? सब बहुत जल्दी उसकी प्रक्रिया चली रही है अपने अपने जगह पर। विभाग में गड़बड़ियां हुई है तो निश्चित रूप से सरकार की अपनी संस्थाएं हैं, सरकार की अपनी नजर है और उन सभी चीजों पर भी जो गड़बड़ियां हुई है उस विषय पर सरकार जरूर के जो एजेंसियां हैं वो अपना काम करेंगी।